हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न डे होम्योपैथी विद डॉक्टर एकता। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे एक रूब्रिक की और रूब्रिक स्टडी करेंगे, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि अपने क्लिनिक में हम पेशेंट में वो चीज़ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें कौन सी मेडिसिन है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और समझिए ये रूब्रिक। आज का रूब्रिक जो मैं लेके आई हूँ वो है सिंथेसिस रेपर्टरी से, जो है बिजी, फॉरगेट्स टू यूरिनेट, डिफिकेट और ईट। ऑलराइट, सो टुडेज रूब्रिक इज बिजी, फॉरगेट्स टू यूरिनेट, डिफिकेट और ईट। तो अब हम पहले इसका लिटरल मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि पेशेंट वर्जन में ये कैसे साबित होगा। सो फर्स्ट थिंग इज बिजी। व्हाट इज बिजी? व्हाट डू यू मीन बाय बिजी? बिजी यानी कोई चीज़ में एंग्रोज रहना, अपने धुन में कहीं रहना, अपने काम में कहीं ना कहीं लगे रहना, जिससे आप ये भूल जाए कि आपको खाना भी खाना है, आपको यूरिन के लिए भी जाना है, आपको टॉयलेट भी पास करना, इतना बिजी किसी चीज़ में हो जाना। सो दैट इज़ बिजी फॉरगेट्स टू यूरिनेट, डिफिकेट और ईट। तो पेशेंट भूल जाता है, इतना बिजी होता है पेशेंट कि वो भूल जाता है कि उसे यूरिन के लिए भी जाना है, उसको टॉयलेट आ रही है, उसको उसके लिए भी ब्रेक लेना है या फिर खाना खाने के लिए ब्रेक लेना है। एकदम इंडस्ट्रियस पर्सन होगा वो और अपने काम में लगा रहेगा, भूल जाएगा कि उसके ये सब करना है। तो उसमें एक ही मेडिसिन है जो है एंटीक्रूड। सो पेशेंट आपको ऐसे आके बोलेगा कि डॉक्टर पता नहीं मैं इतना बिजी, पेशेंट बोले या उसके रिलेटिव्स आके बोले, ये बोलेगा कि डॉक्टर ये पता नहीं काम में इतना क्या बिजी रहता है कि इसको खाना खाने का होश नहीं है, खाना रखो उसको या टिफिन दो उसको, तो वापस ऐसे कैसे आ जाते, बोला कि टाइम नहीं मिला। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिजी फॉरगेट्स टू यूरिनेट, डिफिकेट और ईट। अब पेशेंट को भी आप पूछोगे तो बोलेगा हाँ बहुत घंटे हो जाते मैं यूरिन पास करने नहीं जाता हूँ, या बहुत घंटे हो जाते मैं टॉयलेट पास नहीं करता हूँ, या मैं कुछ खाता नहीं हूँ। पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों? तो पेशेंट ये बोलेगा कि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे यूरिन के लिए जाना है, मुझे ब्रेक लेना है खाने के लिए, या मुझे टॉयलेट आ रही है, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है, क्योंकि मैं अपने काम में ही लगा रहता हूँ। कभी कुछ होता है, कभी कुछ ना कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो मैं उसमें लगा रहता हूँ, इसे मैं भूल जाता हूँ कि मुझे ये सब के लिए ब्रेक चाहिए, मुझे ये सब के लिए भी जाना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ द पेशेंट विल टेल टू यू, एंड दिस इज एंड पेशेंट्स रिलेटिव विल ऑल्सो टेल यू कि पता नहीं कौन से ऐसे काम में लगा रहता है कि इसको कुछ होश ही नहीं है कि इसको खाना भी खाना है, उसको यूरिन के लिए भी हमको याद दिलाना पड़ता है, अरे भाई बहुत घंटे हो गए जब यूरिन पास कर गया। बच्चों के केस में भी ऐसा होता है कि मदर्स को बोलना पड़ता है, पेरेंट कोई किसी भी एल्डरली पर्सन को बोलना पड़ता है, यार इतने घंटे हो गए तूने यूरिन पास नहीं किया, चाहे यूरिन पास करके आ। बच्चे खेलने में एंग्रोज रहते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि उन्हें यूरिन आई, एकदम एंड मोमेंट तक जब तक निकलने नहीं वाला हुआ तब तक वो लोग बोलेंगे नहीं, तो कितने घंटे हो जाते हैं उस चीज़ को लेके। और खाना खाने का, बच्चा एक बार खेलने गया, सुबह का गया सीधे शाम को घर आएगा, तो ना उसको खाने का होश है, ना उसको यूरिन आया, ना उसको टॉयलेट का होश है, खेलने में ही इतना बिजी है वो बंदा। तो उस बच्चे के लिए भी हम ये रूब्रिक ले सकते हैं, बिजी फॉरगेट्स टू यूरिनेट, डिफिकेट और ईट। बच्चों के केस में भी एंटीन फूड ही रहेगा, तो उसमें मदर्स यूजली यही कंप्लेन करेगी कि अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, सुबह से खेलने जाता है, रात तक तो खाना खाने नहीं आता है, उसको भूख ही नहीं लगती है, यूरिन पास नहीं करता है, सब रोक के रखते हैं पूरे पूरे दिन, उसको कुछ समझाओ कि यूरिन भी ब्रेक लेना पड़ता है, खाने में भी, खेलते खेलते भी ब्रेक चाहिए हमको, खेलने में ही बिजी है। अगर नीचे गया बिल्डिंग में दोस्तों के साथ खेलने तो भी बस आएगा ही नहीं शाम तक, ऊपर आवाज़ें देते रहो बुलाते रहो तब भी नहीं, और अगर घर में भी खेलने में बिजी है तो भी उसको होश नहीं होता है, इतना बिजी हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट द पेशेंट वर्जन और द चाइल्ड वर्जन विल बी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। सिंथेसिस रेपर्टरी में है ये बिजी फॉरगेट्स टू यूरिनेट, डिफिकेट और ईट, और द मेडिसिन इज एंटीक्रूड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आया होगा रूब्रिक का, और पेशेंट वर्जन प्लस उसके रिलेटिव्स उसको कैसे लेंगे, प्लस ये रूब्रिक का लिटरल मीनिंग समझ में आया होगा, और हम इसको ईजिली आप क्लिनिक में आइडेंटिफाई करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिट डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट इन योर ग्रुप्स एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर लर्निंग एंड अपडेट्स इन होम्योपैथी। थैंक यू।